एक गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी 6 साल पहले एक बीमारी की वजह से इलाज ना मिल पाने के कारण चल बसी थी। रामदीन के परिवार में केवल वो और उसकी 12 साल की बेटी आरती थी। रामदीन मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। आज भी रामदीन बाजार में एक दुकान के सामने फड़ लगाकर खिलौने बेच रहा था। उसके फड़ पर एक बच्चा आकर खड़ा हो गया। ये वाला खिलौना कितने का है अंकल? कौन से वाला बेटा? ये हाथी वाला अंकल। बेटा, ये खिलौना बोरी में डालते समय चटक गया है, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। तुम ये शेर वाला खिलौना ले लो, ये केवल 20 रुपए का है। नहीं, मुझे यही वाला खिलौना चाहिए। रामदीन ने उसे बहुत समझाया पर वो बच्चा वही खिलौना लेने के लिए अड़ गया। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मानते तो ले लो ये खिलौना, वैसे भी ये चटक गया है, तो तुम केवल 5 रुपए दे दो। ये लीजिए अंकल 5 रुपए, और खिलौना मुझे दे दीजिए। वो बच्चा खिलौना लेकर चला गया। कुछ देर बाद रामदीन के पास 2 युवक और एक औरत आकर खड़े हो गए। उनके साथ वही बच्चा था। उस बच्चे के हाथ में वही चटका हुआ खिलौना था। वो तीनों अमीर घर के लगते थे। उस औरत और उन 2 लड़कों ने रामदीन को गालियां देनी शुरू कर दी। इस बुड्ढे के यहाँ से ही तुमने ये टूटा हुआ खिलौना खरीदा है बेटे? जी मम्मी। ए बुड्ढे, बच्चा समझकर इसको लूट रहा था, एक टूटा फूटा खिलौना पकड़ा दिया मेरे बच्चे को। तुझे बच्चे को लूटते हुए शर्म नहीं आई? बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। मैंने इस बच्चे को बहुत समझाया कि ये खिलौना टूटा हुआ है, मगर ये बच्चा जिद पर अड़ा रहा, और मैंने तो इस टूटे हुए खिलौने के पैसे ना के बराबर लिए हैं। अगर आप कहो तो वो पैसे मैं वापस किए देता हूँ। हाँ, क्योंकि तू तो बहुत ज्यादा दयावान है ना, पैसे वापस करेगा। मतलब तू हमें भिखारी समझ रहा है। अपनी औकात देख, तू पैसे वापस करेगा, ये कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस औरत ने उन लड़कों की ओर इशारा करके कहा, देखते क्या हो, मारो इस बुड्ढे को, ये बेवकूफ बनाकर बच्चों को लूट रहा है, और अकड़ देखो इसकी। बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। औरत के इतना कहते ही उन दोनों लड़कों ने रामदीन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। रामदीन वहां आसपास लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, मगर उसकी मदद को कोई नहीं आया। उन लड़कों ने रामदीन के सारे खिलौने पैरों से तोड़कर कुचल दिए। वो औरत गालियां बकती हुई अपने बच्चे को लेकर चली गई। रामदीन को उन लोगों ने बहुत मारा था। रामदीन को बहुत चोट आई थी। चोट के कारण ही रामदीन कुछ दिनों से बीमार होकर चारपाई पर लेट गया। उसकी आमदनी भी खत्म हो चुकी थी। घर की इस तरह से हालत देखकर उसकी बेटी आरती गुमसुम बैठी हुई थी। क्या सोच रही है आरती बिटिया? कितनी देर से देख रहा हूँ, गुमसुम बैठी हुई टकटकी बांधे छत को देखे जा रही है। कुछ नहीं बाबा, सोच रही हूँ कि भगवान ने हमको इतना गरीब क्यों बनाया। ऐसा नहीं कहते बिटिया, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बाबा, मेरे साथ की सब लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, पर मैं नहीं जाती। माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया, और भगवान ने मुझे कोई भाई भी नहीं दिया। हर रक्षाबंधन में मेरी सहेलियाँ अपने भाई को राखी बांधती हैं, पर मैं, बाबा, अगर मेरा कोई भाई होता तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आपको पीट सके। बाबा, उन लोगों ने आपको इतना मारा, पर किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की। इतना कहकर आरती फूट फूट कर रोने लगी। आरती को रोता देखकर रामदीन की आंखों में भी आंसू आ गए। रो मत बिटिया, भगवान पर भरोसा रख। मैं जानता हूँ, जब से तूने आंखें खोली है गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। बाबा, घर में खाने को सब खत्म हो गया है, और आप भी बीमार हो। जितने खिलौने थे वो सब मैं बेच चुकी हूँ, सिर्फ एक खिलौने को छोड़कर जो आपने मेरे लिए बनाया था। बाबा, मैं उसे ही अपना भाई मानती हूँ। ऊपर से जो आपने माँ की बीमारी को लेकर जो कर्ज साहूकार से लिया था, वो भी धमकी देकर गया है। अब क्या होगा बाबा? आरती को बड़ी चाहत थी कि उसका कोई भाई भी होता, तो रामदीन ने अपने हाथों से एक लड़के की शक्ल का मिट्टी का खिलौना बना कर दिया था। आरती बचपन से ही उस खिलौने से खेलती थी। खेल खेल में वो उसे अपना भाई बनाती थी। धीरे धीरे वो उस खिलौने को हकीकत में अपना भाई मानने लगी थी। उसने बड़े प्यार से उसका नाम मोहन रखा था। वो उस मिट्टी के खिलौने को भाई कहकर बुलाती थी। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। बाबा, काश मेरा कोई बड़ा भाई होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे खिलौने बनाना सिखा दो, पर आपने नहीं सिखाया। बाबा, मैं मर जाऊंगी पर ये खिलौना नहीं बेचूंगी।
बिटिया मुझे क्या पता था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आरती ने अपने पिता रामदीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रामदीन सो गया मगर आरती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके आंसुओं से उसके हाथ का खिलौना पूरा भीग चुका था और आरती भी बैठे बैठे सो गई। अचानक एक तेज रोशनी उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी और देखते ही देखते वो मिट्टी का खिलौना बड़ा हो गया और एक 15 साल के बच्चे के रूप में यानी इंसान में परिवर्तित हो गया। उस खिलौने में जान आ चुकी थी। अचानक आरती की नींद खुल गई। उसके हाथों से मिट्टी का खिलौना गायब था। कौन हो तुम और मेरा भाई कहाँ है? मैं ही मोहन हूँ आरती, तुम्हारे आंसुओं के जरिए भगवान ने मुझ में जान डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता आरती, मैं तुम्हारा भाई मोहन ही हूँ। जब तुम मेरे साथ खेलती थी तो मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं भी तुमसे बातें करूं, लेकिन मैं उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था और देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आरती ने जब मोहन के चेहरे को बहुत गौर से देखा तो उसका चेहरा काफी हद तक उसके खिलौने से ही मिल रहा था। आरती खुशी से चहक उठी। उसने अपने बाबा को उठाकर सारी बात बताई। रामदीन ने खुश होकर आरती से कहा, देखा आरती बिटिया, मैंने कहा था ना भगवान पर भरोसा रखो। बाबा अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे खिलौने बनाना जानता हूँ। क्या तुम खिलौना बनाना भी जानते हो? हाँ आरती, जब मैं केवल मिट्टी का खिलौना था तब से ही मैंने बाबा को खिलौने बनाते देखा है। मैं सब कुछ जानता हूँ बाबा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहन ने एक ही रात में इतने खिलौने बनाकर तैयार कर दिए जितना रामदीन एक महीने में बनाकर तैयार करता था। सुबह तक ढेर सारे खिलौने बनकर तैयार हो चुके थे। आरती तुम बाबा का ख्याल रखो, मैं ये सारे खिलौने बाजार में बेचकर आता हूँ। शाम तक मोहन सारे खिलौने बेचकर आ गया। ये लो बाबा आज की कमाई। अरे बेटा इतने सारे पैसे, इतना तो मैं एक महीने में कमा पाता था। चिंता मत करो बाबा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब आरती भी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल पढ़ने जाएगी। देखते ही देखते रामदीन के हालात बदलने लगे। रामदीन ने जो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर कर्ज साहूकार से लिया था वो सब लौटा दिया। ये सब देखकर साहूकार रतन सिंह, जिसकी नजर रामदीन के घर पर थी, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने नौकर सत्तू को बुलाया जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति था। सत्तू, समझ में नहीं आता रामदीन के हालात इतने जल्दी कैसे बदल गए, मुझे तो जरूर कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आपने सही कहा मालिक, उस बीमार बुढ़े के तो अचानक दिन ही बदल गए। पूरे गांव में चर्चा है कि उसका एक बेटा भी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जहाँ तक मैं रामदीन को जानता हूँ तो उसकी सिर्फ एक बेटी थी, ये रातों रात बेटा कहाँ से आ गया? हो सकता है कि वो उसका रिश्तेदार हो मालिक। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं रामदीन के मकान की जमीन पर एक बिल्डिंग बनाना चाहता था और मैंने रामदीन के मकान की जमीन के एक बिल्डर से पैसे भी ले लिए हैं, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप जो हुक्म करे मालिक मैं वही करूंगा। देखो जब से वो लड़का रामदीन के घर पर आया है तब से ही उसके दिन बदले हैं। तुम एक काम करो, रात के वक्त कुछ अपने आदमियों को साथ ले जाकर रामदीन के मकान के अंदर घुसकर उस लड़के को मार डालो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, रामदीन फिर सड़क पर आ जाएगा और उसे कर्ज लेने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा। रात के वक्त रामदीन और आरती गहरी नींद में सो रहे थे और मोहन बाहर आंगन में खिलौने बनाने में व्यस्त था। अचानक सत्तू साहूकार रतन सिंह के बदमाशों को साथ लेकर रामदीन के घर में घुस गया और उसने लाठी डंडों से मोहन के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मोहन का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोहन की चीख से आरती और रामदीन की आंख खुल गई। सत्तू बदमाशों के साथ तुरंत फरार हो गया। आरती और रामदीन भागते हुए मोहन के पास आ गए। मोहन का शरीर खून से लथपथ पड़ा था, मोहन मर चुका था। आरती रोने लगी। बाबा बाबा देखो मोहन को क्या हो गया है, भगवान एक भाई दिया था तूने और वो भी हमसे छीन लिया, ये बेरहम दुनिया वाले इनसे हमारी खुशी देखी नहीं गई। ये जरूर उस साहूकार रतन सिंह की करतूत है। हे भगवान तू इन बेरहम लोगों को दौलत क्यों देता है, इनसे गरीब की जरा सी भी खुशी देखी नहीं जाती। मेरा प्यारा बेटा मोहन। मुझे कुछ नहीं पता बाबा,
मेरा भाई चाहिए मुझे। भगवान पर भरोसा रख बेटी, उसकी लीला बड़ी निराली होती है जो हमारी समझ में नहीं आती। आरती फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू लगातार मोहन के चेहरे पर गिर रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी मोहन के चेहरे पर पड़ी और देखते ही देखते मोहन के जख्म खुद ब खुद भर गए और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बल्कि वो पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया। अब उसकी उम्र 26 साल के बीच थी। मोहन उठकर खड़ा हो गया। देखो आरती, अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुका हूँ। तुम्हारे आंसुओं की शक्ति से भगवान ने ना मुझे फिर से एक नया जीवन दे दिया है, बल्कि पहले से और ज्यादा मुझे ताकत भी दे दी है और मेरी उम्र भी बढ़ा दी है। पहले मेरी मिट्टी कच्ची थी, मगर अब पूरी पक्की हो चुकी है, यानी कि मैं पूर्ण रूप से जवान हो चुका हूँ। देखा आरती, मैंने कहा था ना, भगवान की लीला बड़ी निराली होती है। आप चिंता मत करो बाबा, मैं जानता हूँ मुझ पर किसने हमला किया था। अब वो ज्यादा दिन तक समाज में नहीं रह सकता। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन, हमें अब उस साहूकार रतन सिंह का कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे दिन आरती, रामदीन और मोहन ने साहूकार रतन सिंह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रतन सिंह की शिकायतें पहले भी थानेदार के पास आई थी। वो पहले से ही रतन सिंह से काफी खिसियाया हुआ था। उसने रतन सिंह और सत्तू को अरेस्ट कर लिया। अदालत ने रतन सिंह और सत्तू को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरती और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। बिमला ने अपनी चारों सौतेली बेटियों को बहुत मारा। बिमला की खुद की बेटी आकांक्षा ने भी डंडे से चारों को मारा। उन चारों की गलती ये थी कि उन लोगों ने बिमला और आकांक्षा का बाथरूम यूज किया था। बहुत शौक है बाथरूम यूज करने का। तेरी माँ ने बनाया था क्या ये बाथरूम? नहीं माँ, लेकिन हम शौच करने कहाँ जाएंगे? इस घर में तो एक ही बाथरूम है। तभी आकांक्षा एक बाल्टी लाई। इसमें करेगी, समझी? तुम लोग इस घर के मालिक नहीं हो। तुम लोग की हैसियत बस नौकरानी बनने की है, इसीलिए औकात में रहना। हाँ, इसी बाल्टी में शौच करना और इसी कमरे में रहना। ये बोलकर बिमला ने चारों को एक कमरे में बंद कर दिया। चारों के पास शौच करने के लिए बस एक बाल्टी है। ये सोचकर चारों रो पड़े। हम दिन भर कुत्तों की तरह काम करते हैं और शौच के लिए बाथरूम भी यूज नहीं कर सकते। ये कहाँ का नियम है? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। पापा थे, वो भी चले गए। चारों रोते हुए अपने माता पिता को याद करने लगे। उनकी माँ का देहांत पल्लवी को जन्म देते वक्त ही हो गया था। उसके बाद उनके पिता ने बिमला से शादी कर ली और एक साल बाद आकांक्षा का जन्म हुआ। उसके बाद से ही चारों बहनों के ऊपर अत्याचार होता था। उन लोगों को घर का सारा काम भी करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन पहले उनके पिता का भी देहांत हो गया और उसके बाद से अत्याचार मानो 10 गुना बढ़ गया। अब तो बाथरूम यूज करने में भी पाबंदी है, भला एक बाल्टी में हम चार कैसे करें? पूजा ने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह उठकर चारों ने बाल्टी में ही शौच किया और उसके बाद प्रिया बाल्टी लेकर जंगल गई और बाल्टी को फेंक कर वापस चली आई। लेकिन आते ही बिमला ने कहा, बाल्टी कहाँ गई? वो तो मैंने फेंक दिया माँ। फेंक दिया? वो मैंने तुझे फेंकने के लिए दिया था क्या? लेकिन उसमें तो गंदगी थी। अरे तो क्या मैं तुम लोगों के शौच के लिए हर रोज नई बाल्टी दूंगी? कलमो ही पैसा बर्बाद करती है। ये बोलकर बिमला ने प्रिया को बहुत मारा। बाकी तीनों प्रिया को बचाने आए तो बिमला ने उन लोगों को भी मारा। चारों को दोपहर का खाना तक नहीं मिला। वो लोग जब खाना मांगने गए तब आकांक्षा ने कहा, खाने के बाद प्रेशर आता है और तुम लोगों ने तो बाल्टी फेंक दी, तो अब शौच कहाँ करोगे? इसीलिए आज तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। खाली पेट चारों दिन भर काम करते रहे। बिमला ने कहा, जब तक तुम लोग खुद के लिए शौच करने की व्यवस्था नहीं कर लोगे तब तक तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो खाना खा के ये लोग हमारा बाथरूम गंदा करेंगे। चारों मुश्किल में पड़ गए। रात भर सोचने के बाद पूजा को एक आइडिया आया। पूजा ने सबको बताया, हाँ यही करेंगे, हमारे पास खुद का एक बाथरूम तो होगा। अगले दिन चारों मिलकर जंगल से लकड़ी और पत्ते ले आए और घर के पीछे गड्ढा खोदकर लकड़ी और पत्तों से ढककर एक झोपड़ी बाथरूम बना लिया। अरे वाह, बन गया हमारा झोपड़ी बाथरूम। लेकिन रात को आएगी तो हम क्या करेंगे? जंगल पास में ही है, जंगल में भूखे जानवर रहते हैं और ऊपर से इतनी ठंड है। अरे बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, उससे अच्छा तो ये है ना, अब आगे हम देख लेंगे। हाँ, अगर किसी को रात में आएगी तो हम तीनों मिलकर बाहर आएंगे और यहाँ पर खड़े रहेंगे। ऐसे ही चलता रहा। खुद का बाथरूम पाकर चारों बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए लेकिन जंगल में आसपास के गांव के लोग भी सुबह सुबह शौच करने जाते हैं
और झोपड़ी बाथरूम लकड़ी और पत्तों से बना हुआ है, इसलिए बाहर से थोड़ा बहुत दिखता है। एक दिन सुबह पूजा झोपड़ी बाथरूम में शौच कर रही थी, इतने में दूसरे गांव के दो लोग वहां से गुजर रहे थे। अरे वो देख, एक लड़की उस झोपड़ी बाथरूम के अंदर बैठी हुई है। आए हाय, सुबह सुबह क्या नजारा है, मजा ही आ गया। दोनों वहां खड़े होकर देखते रहे। प्रिया ने ये देख लिया। प्रिया तब लकड़ियां छील रही थी, उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। वो चाकू लेकर दोनों के पास गई। और देखना है, आजा, आना। चाकू देखकर दोनों भाग गए। चारों बहनें चिंता में पड़ गईं। एक तो पूरा दिन बिमला और आकांक्षा की किचकिच, ऊपर से ये टेंशन कि कोई शौच करते हुए देख ना ले। इसी टेंशन में चारों के दिन बीतते रहे। एक दिन बिमला और आकांक्षा अपने कमरे में बैठे हुए थे। आकांक्षा ने बिमला से कहा, माँ इन लोगों ने बाथरूम तो बना लिया है, क्यों ना हम उस बाथरूम को तोड़ दें। हाँ ये अच्छी बात करी है तूने, इन लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन बिमला ने चारों को बुलाया और गांव के बाहर एक दुकान में कुछ लाने के लिए भेज दिया। चारों चले गए। माँ चलिए अभी तोड़ देते हैं झोपड़ी बाथरूम, बहुत मजा आएगा। आकांक्षा और बिमला ने मिलकर झोपड़ी बाथरूम को तोड़ दिया। वो चारों लौट आए और टूटा हुआ बाथरूम देखकर रोने बैठ गए। अरे ये क्या, किसने किया, तोड़ दिया है बाथरूम को, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज थी ये बाथरूम, ये भी तोड़ दिया। बिमला ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, पास में ही जंगल है, आसपास बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, उन्हीं में से किसी ने किया होगा। पूजा ने सबको तसल्ली दी, कोई बात नहीं बहन, हम फिर से बना लेंगे, कल ही हम जंगल में लकड़ी और पत्ते लाने जाएंगे। अगले दिन चारों जंगल में लकड़ी लाने चले गए और लकड़ी और पत्तों से फिर से झोपड़ी बाथरूम बना लिया। और उसी रात प्रिया को रात के वक्त प्रेशर आ गया। अरे मुझे बाथरूम जाना होगा, कितनी रात हो गई है, तुम लोग मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रिया बाथरूम गई और बाकी तीनों बाथरूम के बाहर खड़े रहे। प्रिया तू चिंता मत कर, हम सब यही हैं, कोई जानवर आएगा भी तो हम उसे भगा देंगे। और जिसका डर था वही हुआ। अचानक से कहीं से एक भालू आ गया। अरे बाप रे भालू। तीनों ने अपने हाथ में एक एक डंडा उठा लिया और भालू को भगाने लगी। सभी के मिलकर भगाने से भालू डर गया और वहां से भाग गया। झोपड़ी बाथरूम से निकलकर प्रिया ने कहा, तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता आज। अरे पगली हम बहने हैं ना, हम सर्वदा एक दूसरे के साथ रहेंगे ऐसे ही। वो कहते हैं ना एकजुट होने के बाद ही असली शक्ति का एहसास होता है, लेकिन उधर बिमला और आकांक्षा बहुत खुदगर्ज है। वो दोनों तो बस अपने बारे में सोचते हैं और इस दुनिया में सबको सजा मिलती है। एक दिन आकांक्षा दोपहर को बाथरूम में घुसी तो देखा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने कहा, देखिए आज आप लोग इस बाथरूम को यूज नहीं कर सकते हो, आज ऐसा ही छोड़ना होगा, मैं कल आकर इसे ठीक कर दूंगा। प्लम्बर चला गया लेकिन आकांक्षा चिंता में पड़ गई। मुझे तो रात को बाथरूम जाना होता है, अब क्या करूं? अरे तो उस झोपड़ी बाथरूम में चली जाना। रात को आकांक्षा को प्रेशर आया और उसने बिमला से कहा, माँ चलो ना खड़े रहना बाथरूम के बाहर। अरे क्या मुसीबत है, चल चल। आकांक्षा झोपड़ी बाथरूम में घुस गई और बिमला बाहर खड़ी रही। लेकिन उसी रात को जंगल का खूंखार आदमखोर शेर टहलने निकला था। बिमला को देखकर उस शेर ने बिमला पर हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, बिमला चिल्लाती रही। ये सुनकर आकांक्षा बाथरूम से बाहर निकली और अपनी माँ की मदद करने की बजाय वो दौड़ने लगी। लेकिन वो शेर से तेज थोड़ी दौड़ सकती थी। शेर ने उसे देखा और दौड़ते हुए उसे भी पकड़ लिया। और इस तरह उस शेर ने बिमला और आकांक्षा दोनों का काम तमाम कर दिया। चारों बहनों का दुख तो खत्म हुआ ही, साथ ही उन्हें उनका घर मिल गया, आजादी मिल गई। और इसके बाद चारों बहन उस घर में खुशी खुशी रहने लगी।